हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारुक मोगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी की जो हमारी वीडियो, ये एक मूवी के ट्रेलर की रिएक्शन वीडियो है और मूवी का नेम है स्त्री। पहले हम देखेंगे इस मूवी का ट्रेलर और उससे मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यूज मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम इस मूवी का ट्रेलर और उससे मेरा रिएक्शन। स्त्री के बारे में क्या पता है आपको? कई साल पहले शहर में एक सुंदर आकर्षक दृश्य हुआ करती थी। शहर का हर पुरुष उसके सपने देखा करता। क्या बात है। उसको एक ऐसा मर्द मिला जो उसके शरीर से नहीं उसकी आत्मा से प्यार करता था, सच्चा प्यार। और एक तुम्हारी जनरेशन का प्यार है, फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। कहां जा रही है हमारी युवा पुलिस? राष्ट्रीय पक्षी है। मोर की चोंच लंबी और पेनी होती है। मोर की चोंच लगभग 1.5 फुट होती है। मोर जब सावन के मौसम में झूमता है तो लोग उसको देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जैसे हम आपको देख के मंत्रमुग्ध हो। गर्लफ्रेंड भूलती है ऐसा नहीं, बकवास कर रहे हो। क्यों हर साल तुम्हारी सनी एक गर्लफ्रेंड पूजा के टाइम में आती है और गायब हो जाती है? अगले चार रात वो शिकार पे आने वाली है। कौन? स्त्री। पुरुषों को उठाती है और उससे वस्त्र छोड़ती है। वो पहले तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारेगी। तुम्हें क्या करना है? फौरन चप्पल निकालो, हाथ में लो और भागो। उसको सबका नाम कैसे पता चल जाता है? सबका आधार लिंक है उसके पास। कुछ भी हो जाए पलटना मत। वो देखना, आज तो साले के कपड़े ही मिलेंगे। मर्द को दर्द होगा। उसकी आंखों में देखो, आंखों में प्यार की भूखी है वो। प्यार से देखो, प्यार और प्यार से देखो। अरे हमारी गांड पकड़ी हुई है, कहां चलाएंगे प्यार? तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उससे मेरा रिएक्शन। हम बात करेंगे आपसे इसी मूवी के हवाले से। ये हिंदी लैंग्वेज मूवी है और हॉरर कॉमेडी मूवी है ये। और जैसा कि आपने ट्रेलर देखा मेरे साथ, तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है श्री राम रखवान ने और इस मूवी को लिखा है सुमित अरोड़ा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन ने और उनके साथ हैं राज एंड डीके ने। और हम बात करें आपसे इसी मूवी के हवाले से, और वो ये कि ये मूवी जो बेस करती है वो है अर्बन लेजेंड मिनी बेल से बेस करती है। और इस मूवी के अंदर जो मेन लीड रोल पर है वो है राजकुमार राव एंड श्रद्धा कपूर। अब हम बात करेंगे आपसे इस मूवी के ट्रेलर के हवाले से, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार किस्म का था और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। मैंने भरपूर इंजॉय किया, बहुत ही कमाल का था। और जो कि आप, मैं कहूँगा कि हॉरर मूवी है लेकिन इसमें कॉमेडी और फनी का टच है, यानी कि आप कह लें कि हॉरर और कॉमेडी जब एक साथ मिलती है तो बहुत ही कमाल का आप कह लें एक तरह से इंटरटेनमेंट पैकेज तैयार होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखी होगी गोलमाल सीरीज़ की जो लास्ट मूवी थी वो भी हॉरर कॉमेडी ही थी। और इसके अलावा जो अगर आपको याद हो तो मस्ती जो फ्रेंचाइज की सीरीज है उसके अंदर जो लास्ट मूवी थी मस्ती ही, वो भी हॉरर कॉमेडी ही थी। और इसी तरह ये भी हॉरर कॉमेडी है, मतलब आप कह लें बहुत ही यूनिक और मज़ेदार किस्म का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो कि आप कह लें कि बहुत दिल को छूता है और मज़ा आता है।
जो कि आप कह लें कि सेक्स कॉमेडी और मतलब तो लोग देखते ही रहते हैं, होती हैं हॉलीवुड में ज़्यादा, और इसके अलावा जो है सेक्स एंड हॉरर भी होता है, और इसके अलावा जो मज़ेदार सबसे है ना वो यही है जो कि मैंने आपसे कहा कि हॉरर और कॉमेडी का पहलू, जो कि आप कह लें कि एक तरह से अलग किस्म का कॉम्बिनेशन है, जो कि इस तरह की मूवीज़ होती हैं बेतहाशा मज़ेदार किस्म की होती हैं और आप भरपूर इन्जॉय कर सकते हैं। जैसे कि आपको याद होगा भूल भुलैया, उसने भी हॉरर कॉमेडी का टच था, तो मतलब जो कॉम्बिनेशन जो होता है बहुत ही आउटस्टैंडिंग होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह की मूवी देखने के बाद और देखते हुए भी, और इस तरह की मूवीज़ आप बार बार भी देखें तो बहुत मज़ा आता है, बहुत कमाल की होती हैं। और जो कि इस मूवी के अंदर जो मेन कास्ट पर है लीड रोल पर, वो बहुत टैलेंटेड लोग हैं, यानी कि मल्टी टैलेंटेड कास्ट है, और राजकुमार राव के बारे में तो क्या ही कहना है, सभी जानते हैं कितने मल्टी टैलेंटेड शख्स हैं, हर किरदार को बाखूबी निभाते हैं और करेक्टर में घुस जाते हैं और बिल्कुल रियलिस्टिक काम करते हैं, कुछ भी फेक या बनावटी नहीं लगता। यही बात है कि इन्होंने कम अरसे के अंदर ही अपना नाम शोहरत इज्जत काफ़ी आला हासिल कर लिया है जो कि, और इसके अलावा हम श्रद्धा कपूर की बात करें वो भी मल्टी टैलेंटेड हैं और इनकी जितनी भी फिल्म्स हैं तकरीबन जो भी मूवीज़ इनकी आती हैं सब रिकॉर्ड तोड़ती हैं और बिजनेस करती हैं बेतहाशा, लोग इनको बेतहाशा मोहब्बत करते हैं और पसंद करते हैं क्योंकि बहुत क्यूट स्वीट सी और एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा गहरी और डीप करती हैं। आप ये कहने कि इस मूवी के अंदर आपको मल्टी टैलेंटेड लोग मिलेंगे, मज़ेदार किस्म की हॉरर मिलेगा जो कि आपको मतलब एंटरटेन भी करेगा, डराएगा भी और कॉमेडी का टच भी, ओवरऑल बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज की तरह है जिसको आप भरपूर इंजॉय कर सकेंगे। और मैंने तो ट्रेलर को इतना इंजॉय किया क्योंकि बहुत ही कमाल का आउटस्टैंडिंग आउट क्लास ट्रेलर था, तो सोचे मूवी कितनी ज़बरदस्त होगी, और इसमें जो एक लाइन थी मर्द को दर्द होगा वो तो बहुत ही कमाल की। और जब इस मूवी का टीज़र रिलीज़ हुआ था मैंने उसके ऊपर भी रिएक्शन वीडियो बनाई थी जो कि काफ़ी लोगों ने पसंद की थी, और टीज़र भी इसका मतलब काफ़ी चर्चा में रहा था, लोगों ने पसंद किया था और काफ़ी लोगों को शिद्दत से वेट था कि इसका ट्रेलर रिलीज़ हो जो कि अब हो चुका है, और जो कि अब बस मूवी रिलीज़ होगी तो लोग बस वही देखेंगे और बेसब्री से लोगों को इंतज़ार है क्योंकि मूवी की कास्ट ही इतनी अट्रैक्टिव है जो कि अपनी तरफ मतवज्जा कर रही है। ओवरऑल मूवी की कहानी का तो क्या ही कहना है, बहुत मज़ा आएगा इसको देखने के बाद, बहुत कमाल की है, और सिनेमेटोग्राफी स्क्रीन प्ले भी जो इससे मतलब ट्रेलर को देखने के बाद वाजी हो रहा है कि बेहतरीन किस्म का है। ओवरऑल एक तरह से भरपूर जम के शानदार और जानदार किस्म की मूवी है, आप एक तरह से कहें फुल ऑन एंटरटेनमेंट कंप्लीट पैकेज है, मज़ा आएगा इसको देखने के बाद, कमाल ही हो गया, ट्रेलर को तो मैंने भरपूर एंजॉय किया। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उसके मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।